प्रदीप हर जगह किनारे हटिए हर जगह भाव घटो हाथ रही लेकिन इतना तेज करो कुछ हो जाए ग्राम पंचायत खुलिया के एक गंगा टोला में आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में आप सबके सजनवा के लोकप्रिय विधायक सम्मानित प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख सम्मानी दिलीप यादव जी, महामंत्री श्री राम पांडे जी, विनोद जी, राजकुमार जी, बुद्धिराम जी, सम्मानीय पुरुषोत्तम मिश्रा जी, अरुणेंद्र त्रिपाठी जी, ये संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे यहाँ के सम्मानीय SDM साहब, सम्मानीय कार्यकर्ता मित्रों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मोदी जी और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गांव में कुछ शौचालय वाला बना है? हाँ बना सब अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि ये जो जनगणना में जो नाम आया था जिसमें आवास मिल रहा है और जो जनगणना, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो जनगणना में 2011 की जनगणना में जो नाम था इसमें जो गरीब व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है जिनको आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, ये 2011 की जनगणना हुई थी। 2011 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उस समय
सपा और बसपा के समर्थन से वो सरकार चल रही थी और उन लोगों ने मनमानी सूची बना दी। बहुत सारे ऐसे गरीब पात्र व्यक्ति जिनको मिलना चाहिए आवास, उनको आवास नहीं मिल पा रहा क्योंकि 2011 की जनगणना सूची में नाम नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मकान है और उनको आवास मिल जा रहा क्योंकि वो सूची में नाम गड़बड़ किया गया, उसके बाद जनगणना हुई नहीं। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे पात्र व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक सीमा होती है उस सूची को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो जनगणना भारत सरकार के द्वारा होती है। 2021-22 में होना था तो कोरोना आ गया, कोरोना के नाते नहीं हो पाया वो। तो उसके बावजूद भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, हो सकता है गन्ना गांव में उतना प्रयोग आवास में ना हुआ हो, लेकिन आप कल्पना करिए कि गोरखपुर में अखिलेश यादव की सरकार जब थी 2014 से 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 18,000 गरीबों को आवास मिला था। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 32,000 और उत्तर प्रदेश में 52,00,000 गरीब।